मॉर्निंग एवरी वन, आज ये संडे एज यूजुअल ये मैं अभी एक्चुअली हूँ कसारा के पहले, एक्चुअली कसारा के स्टार्टिंग पे हूँ मैं। यहाँ पे आके व्लॉगिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि सुबह मैंने 6 बजे से नॉइज थोड़ा 6 बजे ही मैंने मेरी राइड 6:30 को ही मैंने राइड स्टार्ट करी है, तो थोड़ा डार्क था इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर रहा था। ये राइड आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये राइड में आपको कुछ 4 to 5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, मतलब जो मेरे को लगा आपसे शेयर करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप सुबह से मॉर्निंग एंजॉय करिए, राइड के बीच में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। क्विक अपडेट, जैसे इगतपुरी क्रॉस करके लेफ्ट मारा त्रिंबकेश्वर के लिए, एक्चुअली मैं नासिक जा रहा था त्रिंबकेश्वर, इसलिए मैं आपको बोला राइड के बीच में बता दूंगा। फर्स्ट थिंग्स आपसे शेयर करने की थी कि मैं यूट्यूब से पहले भी राइड करता था और यूट्यूब के बाद भी करता रहूँगा। एक्चुअली यूट्यूब के पहले से मैंने बहुत राइड किया है, पुणे 2 बार किया, सातारा किया, कोल्हापुर किया है, शिरडी 4 बार किया है, नासिक किया है, मैंने बहुत राइड किया, लेकिन वो यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने अपडेट कभी यूट्यूब पे कभी थिंक नहीं किया डालने के लिए। अभी जस्ट यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इसलिए मैं जो भी ब्लॉग बना के डाल रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच जो आपने इतना लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। मैंने राइड किया वो सब कुछ मैंने 150 पल्सर पे ही किया है, दूसरा कौन सा बाइक कभी यूज़ ही नहीं किया है, जो भी ये 150 पल्सर पे ही किया है। जस्ट यहाँ से मैं जा रहा था त्रिंबकेश्वर के लिए, जस्ट पास हो रहा था तो मैंने एक पीछे डैम देखा। इस डैम का नाम मुझे कुछ आइडिया नहीं, पता नहीं है, लेकिन अब देखोगे ब्यूटी है। पूरे 2 घंटे क्यों मैं लाइन खड़े रहने के बाद पूरा दर्शन किया है, पूरा जितना भी है पूरा आपको मैंने, एक्चुअली कैमरा लाउड ना था लेकिन मैंने छोटा फुटेज लिया है, अब इन्जॉय कर लेना। ओके, तो हम पहुंच गए यहाँ पे त्रिंबकेश्वर मंदिर के अंदर में। एक्चुअली क्यों मैं अंदर खड़ा हूँ, तो क्यों मैं क्यों खड़ा हूँ मैं आपको बाहर जाके बता देता हूँ, उसका रीज़न है। सेकेंड थिंग जो शेयर करने का था वो आपसे वो था कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या जो भी व्लॉग बनाता हूँ वो ये ध्यान में रखता हूँ किसके सेंटीमेंट का, किसके रिलेशन का हर्ट ना हो, तो वो ही ध्यान में रख के बनाता हूँ वीडियो। और मेरा वीडियो, मेरा व्लॉग बच्चे लोग, बुजुर्ग और ख़ास करके महिला लोग देख सकते हैं, फैमिली। पूरे 2 घंटे क्यों मैं लाइन खड़े रहने के बाद पूरा दर्शन किया है, पूरा जितना भी है पूरा आपको मैंने, एक्चुअली कैमरा लाउड ना था लेकिन मैंने छोटा फुटेज लिया है, अब इन्जॉय। थर्ड थिंग आपसे शेयर करने का था, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, उसका मकसद ये रहने का, मैं जिस जगह पर जाता हूँ उस जगह आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊँ या उस जगह की कुछ खासियत, कुछ पॉजिटिव पॉइंट, ताकि आप भी आपके फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ आप आ सकते हो इन्जॉय करने के लिए। जो मेरे पीछे देख रहे हैं वही मेन गेट है, मैंने आपको क्यों बोला था मैं क्यों मैं लाइन में खड़ा था, क्योंकि यहाँ से एंट्री लेने के लिए आपको 200 पे करना पड़ता है। दिस इज द मेन गेट। ओके, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो जो नदी का पानी है, रिवर का, मुझे इसके बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे साथ अंकल है, मेरे पंडित जी है, तो वो आपको डिटेल में समझा देंगे। उनकी पत्नी हायला, उसको गौ हत्या का पाप लगा था, गौतम से गौ हत्या का पाप लगा था, उसने 12 साल शंकर भगवान की तपस्या, उसने बोला है गौतम मुनि नाम इनका, जैसे यमुना ने भागीरथी गंगा प्रकट किया, भागीरथी गंगा बोलते हैं, तैसे दक्षिण भारत में गौतम ने गोदावरी प्रकट किया, गौतम गुरु नाम इनका। जो ब्रह्मगिरी पार कर शिव भगवान को जटा पटकी, वहाँ से गाय के मुँह से गोदावरी जो निकल गए गुप्तों के, तो गंगाधर में थे, गंगाधर से फिर जो गुप्तों के आते तो यहाँ निकलते, ये गोदावरी जो फैला, जो पहाड़ पर से गाय के मुँह से गोदावरी आते हैं तो इधर निकले, ये गुप्त गोदावरी का धारा दिए। शेषा नाट्य पर्स है, माता लक्ष्मी सेवा करती है, नाभिकम से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई, जय विजय नाम के तो दूर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये शिवलिंग इधर, और तीनों मूर्ति साक्ष्य मुद्र निकली, ये कुंड के अंदर चले गए, आगे बड़े मंदिर हो गए, नासिक मंदिर चले गए। यहाँ पे था तो मुझे दो बंदे लोग मिले,
अच्छा लगा इनसे मिलके, तो मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं 2000। अपना नाम विलास मार। ये कौन सा झाड़ मान लो? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ये जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, तो इससे ये जो जो गले में पहनते थे ना, गले में ही पहनता, सही है। डन विद टाइम ऑफ लंच किया, अभी डायरेक्ट आपको मुंबई जाके ही मिलता हूँ। वेलकम बैक एवरीवन, गुड इवनिंग। रात के बज रहे अभी 8, मुंबई में कुछ मैं 6:45 के अराउंड ही आ गया था। और फिफ्थ थिंग जो आपसे बात शेयर करने की थी वो थी, फर्स्ट डे से और अभी तक जो भी राइड किया वो मेरे खुद के पर्सनल सेविंग से राइड है ना। बिग थम्स अप फॉर महानगर पालिका, क्योंकि मुंबई से लेके बांद्रा से लेके नासिक तक जहाँ पे मैं गया था नासिक डेस्टिनेशन पे, ऑल रोड स्मूथ, वेरी थम्स अप फॉर देम। होपफुली जो भी मैंने आपसे शेयर किया आप समझ गए होगे। अगर यहाँ तक देख लिया तो ज़रूर लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर लेना। मिलता हूँ अगले संडे विथ न्यू व्लॉग। टिल देन थैंक यू।